Hello guys, now we will see question number 7, exercise 12.2. Exercise 12.2, question number 7, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. एक circle के बने center O है, एक chord है हमारी AB, chord और radius मिलके angle subtend कर रहे हैं 120 का, 120 theta equal to हमें के बने 120, radius given at 12 cm, we have to find the area of segment ABB. Minor segment का area find करना है हमें. Minor segment का area find करने के लिए, first we have to find area of minor sector, then we will find the area of angle triangle, then we will subtract the area of triangle from the area of minor sector, then we will get the area of minor segment. So now find the area of minor sector. Area of minor sector equal to theta divided by 360 into pi r square. R हमें given है 12 centimeter. थीटा गिवन है हमें 120 डिग्री. वैल्यू पुट कर देते हैं 120 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू 3.14 इनटू आर की वैल्यू 12 इनटू 12 क्योंकि पर पे स्क्वायर है. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 3 से 4 10 और 3 से जाएगा 12 10. 4 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम आया हमारा जो आंसर जो सॉल्व हो के आएगा 150.72 स्क्वायर. 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल चुके हैं. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. नाउ अब यहां पर हम चेक करेंगे हमें थीटा जो गिवन एक एंगल जो गिवन है 120 का है. अब इसमें डायरेक्ट तो फॉर्मूला हम यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि ना तो ये 1/2 बेस इनटू हाइट से निकलेगा और ना ही ये √3/4. सो हमें यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. देन वी विल फाइंड द बेस एबी की वैल्यू फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट. सो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ड्रॉ कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने. इसको एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ओ एम इसको हमने फर्स्ट नेम दे दिया एम. सो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एम बाइसेक्ट ए बी. ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम बाइसेक्ट ए बी. एक एंगल इस एंगल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ये भी 60 का पूरा एंगल, तो ये इस सॉरी 120 का है, तो ये 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया. ए एम इक्वल टू ए एम इक्वल किसके आ गया बी एम के. ए एम और बी एम दोनों इक्वल आ गए. सो अब हमें इसमें इसकी वैल्यू पता करनी है और ओ एम की वैल्यू पता करनी है, ए एम की वैल्यू पता करनी है. तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे. हम यहां पर लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम कॉस 60. कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मींस साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो हमने लिया है सबसे पहले कॉस. सो कॉस 60 की जो वैल्यू लेंगे हम, कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है इसका, ओएम. बेस अपॉन हाइपोटेनस ओएम अपॉन
OA. So cos 60 equal to OM upon OA. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. OM हमें फाइंड करना है. OA गिवन है हमें. OA हमारा 12 सेंटीमीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 OM equal to 12. तो OM equal to 12 by 2 equal to 6. OM की जो वैल्यू निकल के आई 6 सेंटीमीटर. ये अब हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई हमें 6 सेंटीमीटर. बस बेस की वैल्यू पता करनी है, AM की वैल्यू मिल जाए उसके बाद हम इसकी जो एरिया है वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब AM की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, AM की वैल्यू को लेंगे हम साइन 60 इक्वल टू, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो एंगल ये है हमारा, इसके एंगल के अपोजिट वाले परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर मींस AM अपॉन हाइपोटेनस OA. साइन 60 की जो वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू AM अपॉन OA की वैल्यू हमें गिवन है 12. तो ये हो जाएगा 12 रूट 3 इक्वल टू 2 AM और AM इक्वल टू 12 रूट 3 बाय 2. तो ये आ गया 6 रूट 3. ये से वैल्यू निकल गया AM की 6 रूट 3. अब ये 6 रूट 3 निकल गया. अब जैसा कि हमें पता है AM इक्वल टू BM है, तो AB इक्वल टू क्या है हमारा, AB इक्वल टू AM प्लस BM. अब AM क्या निकल गया, ये 6 रूट 3, तो 6 रूट 3 और ये दोनों क्या है इक्वल है, तो ये भी 6 रूट 3. तो 6 रूट 3 6 रूट 3 क्या हो गया 12 रूट 3. सो AB की जो वैल्यू निकल के आ गई कितनी निकल के आ गई 12 रूट 3. अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. 1/2 बेस क्या निकल गया है AB 12 रूट 3 इनटू हाइट क्या गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर. सॉल्व करते हैं 2 से 3 टाइम, सो वैल्यू बची हमारे पास 12 रूट 3 इनटू 3 और रूट 3 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1.73. 12 इनटू 1.73 इनटू 3. इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फाइनल आंसर हमारा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया. अब हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया है, सबट्रैक्ट कर देंगे सो निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सेगमेंट एबीबी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओएबीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी 150. एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया है 150.72 माइनस 62.28. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर.
This is our area of minor segment, 88.44 centimeter square. So this was the question number 7. Next we will see question number 8. Thank you.